माता दी, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा सितंबर का महीना कन्या राशि के लिए। यदि आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न है या आपके नाम से कन्या राशि बनती है तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना, कैसा रहेगा स्वास्थ्य सितंबर के महीने में, शिक्षा कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, वैवाहिक सुख है, कोई समस्या तो नहीं होगी, क्या नौकरी और व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, और इस महीने धन और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और कौन सा है वो अचूक उपाय जो यदि परेशानी है तो उपाय भी पता होना चाहिए जिसको करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ये प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। तो आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो महत्वपूर्ण उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कन्या राशि की गोचर स्थिति किस प्रकार से है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं गोचर के अनुसार ही घटती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, गोचर स्थिति जानते हैं कन्या राशि की किस प्रकार से है। तो बुध आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य शुक्र आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना, तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर लग्नेश बुध हैं, लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या सितंबर के महीने में नहीं है। कैसे रहेगी शिक्षा आपकी सितंबर के महीने में, तो यहाँ पर पंचम भाव से देखेंगे हम शिक्षा कैसी रहेगी। पंचम के स्वामी बनते हैं शनि, जो अपनी ही राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं परंतु वक्री अवस्था में है, तो पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, खूब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। जो लोग एक्स्ट्रा स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी मन लगाकर करेंगे, पर कभी कभी आपका मन पढ़ाई से हट जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। पर ऐसा ना करें, क्योंकि समय भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके चलें, क्योंकि सितंबर का महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसी रहेगी लव रिलेशनशिप सितंबर के महीने में, तो लव रिलेशनशिप भी हम पंचम भाव से देखेंगे, पंचम के स्वामी पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी लव रिलेशनशिप सितंबर के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे का केयर करेंगे, एक दूसरे की बहुत ध्यान रखेंगे, घूमना फिरना खूब होगा और यहाँ तक कि विवाह को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे कि विवाह कब करना चाहिए और घर परिवार में कब बात करनी चाहिए। तो लव रिलेशनशिप के लिए भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन सितंबर के महीने में, तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो अपनी ही राशि में सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक सुख के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ तक कि कैरियर में भी एक दूसरे की बहुत हेल्प करेंगे और सितंबर के महीने में आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है, आप दोनों मिलकर धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। कैसा रहेगा नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से सितंबर का महीना, तो यहाँ पर भाग्य के स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका विदेश से संपर्क बन रहा है। जो लोग बाहर जाके नौकरी करने की सोच रहे हैं तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, आप प्रयास करिए, आप बाहर ज़रूर जाएंगे। जो लोग मनचाही नौकरी के लिए परेशान थे तो सितंबर के महीने में बहुत अच्छा नौकरी का योग बन रहा है, प्रयास करिए, क्योंकि मेहनत तो करनी होगी, प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपको मनचाही नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा योग है सितंबर के महीने में, व्यवसाय व्यापार में लाभ है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि आप कोई अन्य व्यवसाय करने की सोच रहे हैं
तो बहुत अच्छा योग है, पर पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो सितंबर का महीना अच्छा नहीं है। कैसे रहेगी आपकी धन की और आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में? तो आपको नौकरी में तरक्की, व्यवसाय में लाभ है, तो ऐसी स्थिति में सितंबर के महीने में धन की और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई धन को लेकर समस्या सितंबर के महीने में नहीं है। कौन सा है वो उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए? तो सितंबर के महीने में आपको गाय को पालक रोज़ खिलाना है, विष्णु सहस्र नाम का पाठ बुधवार से शुरू करके रोज़ करना है, रोज़ गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं, पीले फूल चढ़ाने हैं, दुर्वा अर्पित करनी है और बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। करिए ये उपाय, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि कोई परेशानी कोई समस्या आ रही है तो वो भी दूर होगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि कन्या राशि का कैसा रहेगा सितंबर का महीना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।